होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज आप सभी के फेवरेट प्रोग्राम टॉप नाइन में। जानते हैं आप कि हम जब भी ये प्रोग्राम लेकर आते हैं तब हम यहाँ पर बताते हैं दिन भर की नौ बड़ी खबरें, यानी कि भाई बेटा उनमें क्या कुछ हो रहा है, भाई किस सितारे ने किस सितारे के साथ क्या किया और किसका किससे ब्रेकअप हुआ, ये सारी चीजें जानते हैं आप टॉप नाइन में। तो चलिए, आपका एक्साइटमेंट लेवल शुरू हो चुका होगा बढ़ना, इतने में ये ज्यादा बढ़ जाए तो इसे कम करते हुए दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के दबंग कहलाए जाने वाले सलमान खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, हाल ही में सलमान के चाहने वाले अक्सर ही ये सवाल उठाते हैं कि क्यों आज तक सलमान बंगलों में नहीं रहते। दरअसल हाल ही में जहां पर अक्सर ही ये सवाल आप सभी के जहन में उठता है, तो अब पिता सलीम ने इस सवाल का जवाब दे दिया है, जहां पर सलीम ने कहा है कि सलमान के लिए एक बड़ा बंगला लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे साथ ये अपार्टमेंट में रहता है, इसकी वजह मैं हूँ। सलमान कई बारी मुझसे कह चुका है कि हम एक बंगला या फिर पेंट हाउस ले लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1973 में आया था, अब जाने का दिल नहीं है। जब मैं कहीं नहीं जाता हूँ तो सलमान भी हमारे साथ यही रहते हैं। सलीम ने बताया कि हम बड़े घर में जाएंगे तो सलमान को बहुत आराम हो जाएगा, वो बेचारा मुश्किल से ही एक अपार्टमेंट में रहता है जिसका आधा तो उसने जिम को बना लिया है, आधे में उसके जूते कपड़े और वो खुद रहता है, वो जैसे भी हो मैनेज कर लेता है। मेरे बेटे ने मेरे लिए ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया हुआ है। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन जिनका आज जन्मदिन है, जी हाँ, जहाँ पर अभिषेक के जन्मदिन पर हर एक चाहने वाला उन्हें ढेरों बधाइयाँ दे रहा है, तो ऐसे में पत्नी ऐश्वर्या कैसे पीछे रह सकती थी। जी हाँ, आपको बता दें कि पत्नी ऐश्वर्या ने बड़े ही खास अंदाज में एक बेहद ही खास सरप्राइज पति अभिषेक को दिया। दरअसल हाल ही में ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरों को शेयर किया है, जहां पर एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जहां पर आप देख रहे हैं कि नन्हे अभिषेक को। दरअसल इस तस्वीर को शेयर करते टाइम और यहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन कैप्शन देती हैं, हमेशा माय बेबी हैप्पी बर्थडे टू यू। कहीं ना कहीं आप यहां पर इन तस्वीरों में अभिषेक और ऐश्वर्या का प्यार भी देख रहे हैं, और जिस नन्ही तस्वीर को यहां पर ऐश्वर्या ने शेयर किया वो वाकई ही काफी ज्यादा खूबसूरत रही। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अभिषेक के लिए इससे बेहतर सरप्राइज और कुछ नहीं हो सकता। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं, लीजिए हाल ही में सुष्मिता सेन को अपनी बेटी और बॉयफ्रेंड के साथ दोस्त की वेडिंग पार्टी में देखा गया, जहां पर सुष्मिता ने बॉयफ्रेंड के सामने ही पहले तो दोस्त को किस किया और उसके बाद सुष्मिता यहां पर फिल्म बीवी नंबर वन के गाने चुनरी चुनरी पर डांस करती दिखी। जी हाँ, आपको बता दें कि इन दिनों ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां की हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि सुष्मिता दोस्त के साथ जम के डांस कर रही हैं, और इतना ही नहीं बॉयफ्रेंड रोमन और दोनों बेटियां यहाँ पर खड़ी होती दिखाई दी। आपको बता दें कि सुष्मिता ने ऑफिशियली बॉयफ्रेंड संग अपने रिश्ते पर मोहर लगा दी है, जहां पर बीते दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा किया था कि भाई अब मेरी दोनों बेटियों के पिता मेरे बॉयफ्रेंड हैं। अब देखना होगा कि कब ये गुड न्यूज सुष्मिता देंगी कि वो अब शादी कर रही हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, हाल ही में शाहिद कपूर को बीती रात पत्नी मीरा कपूर के साथ स्पॉट किया गया डिनर डेट पर जुहू में, जहां पर आप कुछ तस्वीरों को देख रहे हैं, जहां पर शाहिद और मीरा रोमांटिक होते भी देखे गए और यहां पर बार बार मीरा अपने कपड़ों को ठीक करती भी देखी जा रही है। बाकी ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शाहिद और मीरा बॉलीवुड के एकदम परफेक्ट कपल बन चुके हैं, विद परफेक्ट फैमिली,
जहां पर शाहिद और मीरा को दो क्यूट से बेबीज हैं, जहां पर एक मिशा है तो वही दूसरे ज़ियान कपूर। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीच उनके ये हैंडसम हंक जो हैं इन दिनों परिवार वालों के साथ और अपनी पत्नी मीरा के साथ ज्यादा स्पॉट किए जाते हैं। हालांकि फैंस भी अब उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि कौन सी फिल्म में शाहिद कपूर अब बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं और इन दिनों तो प्रियंका निक संग शादी को लेकर भी सुर्खियां बटोर रही हैं। लीजिए हाल ही में प्रियंका और निक ने न्यूली मैरिड गेम को खेला, जिसमें दोनों ने एक दूसरे से कई सवाल पूछे और हर एक सवाल का सही जवाब यहाँ पर परफेक्ट हस्बैंड बने साबित करते दिखे निक जोनस जी। हाँ, पहले निक ने प्रियंका से अपनी और उनकी पहली किस के बारे में पूछा तो निक जोनस ने सही जवाब दिया और उसके बाद निक जोनस ने पूछा कि उन दोनों की पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी। प्रियंका ने निक के सवाल पर वहां पर सही जवाब तो दिया, मगर निक जोनस ने उस सही जवाब को डिटेल में बताते हुए कहा कि प्रियंका चोपड़ा पहली मुलाकात पे ब्लू जीन्स और व्हाइट ट्रैक टॉप के साथ ब्लैक लेदर जैकेट भी पहन कर आई थी। मानो ऐसा लग रहा था पति पत्नी के बीच की ये जो लड़ाई हुई है उसमें प्रियंका चोपड़ा का सर इस बारी निक जोनस के सामने झुक गया। दरअसल बीते दौरान जहां पर बी टाउन में लैक्मे फैशन वीक की धूम को देखा गया तो वहीं लास्ट डे पहुंचे बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह। देखा जा रहा है कि रणवीर सिंह इन दौरान जहां भी जा रहे हैं वहां पर गली बॉय का प्रमोशन करते दिखाई दे रहे हैं। मगर कहते हैं ना कि कभी कभी आपका मजाक ही आप पर भारी पड़ जाता है। लीजिए हाल ही में जहां पर गली बॉय का प्रमोशन कर रहे थे, फैंस की भीड़ को देखकर रणवीर ने एक ऐसी गलती कर दी जिसके बाद अब रणवीर का मजाक बनाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि रणवीर सिंह हजारों की भीड़ पर अचानक ही कूद पड़ते हैं, जिससे हाल ही में एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसे जानने के बाद यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह जहां पर हजारों की भीड़ पर कूदे तो वहां पर महिलाएं जो है घायल हो गई हैं। आपकी स्क्रीन पर ये एक ट्वीट चल रहा है जहां पर ये खबर सामने आई थी कि रणवीर सिंह के कूदने से महिलाओं को चोट लग गई। आपको बता दें कि वीडियो में आप देख रहे हैं रणवीर सिंह पहले मस्ती मजाक करते हैं, रैपिंग करते हैं और उसके बाद अचानक ही फैंस के ऊपर कूद जाते हैं। ऐसे में रणवीर सिंह को काफी ट्रॉल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह अपनी बचकानी हरकतों को रोको और थोड़े बड़े हो जाओ और ये कोई अटेंशन पाने का सही तरीका नहीं है। आप देखेंगे अब इस वीडियो में किस तरह से रणवीर सिंह यहां पर हजारों फैंस की भीड़ के ऊपर कूदे। बॉलीवुड के किंग खान कहलाए जाने वाले शाहरुख खान जो अक्सर ही अपनी बेहतर दोस्ती को लेकर भी जाने जाते हैं,
दरअसल हाल ही में किंग खान को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद यकीनन उनके फैंस हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये खबर है किंग खान के खास दोस्त करण जौहर को लेकर। कहा जा रहा है कि करण जौहर अपने दोस्त शाहरुख को अपने शो पर बुलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। दरअसल शाहरुख खान अभी इन दिनों अपने करियर पर फोकस दे रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि ऐसा लग रहा है बी टाउन में किंग खान का जादू अब कम हो रहा है। जिस तरह से हाल ही में शाहरुख की फिल्म जीरो बड़े पर्दे पर रिलीज हुई, तो ऐसे में उस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके चलते शाहरुख नहीं चाहते कि वो कॉफी विद करण में जाए, जहां पर उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकले जो कॉन्ट्रोवर्सी बने। तो इसलिए शाहरुख ने कॉफी विद करण में जाने से साफ इनकार कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट जो इन दिनों रणवीर सिंह संग अपनी फिल्म गली बॉय को लेकर सुर्खियों में छा रही हैं। दरअसल हाल ही में आलिया और रणवीर सिंह को गली बॉय फिल्म का प्रमोशन करते देखा गया, जहां पर रेडियो के दौरान ये दोनों प्रमोशन करते दिखे। तो ऐसे में तमाम तस्वीरें आलिया और रणवीर सिंह की सामने आ रही हैं, जहाँ पर आलिया भट्ट जो है गुस्से भरे अंदाज में रणवीर सिंह को डांटती देखी गई। जी हाँ, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं, जिन तस्वीरों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आलिया बेहद ही ज्यादा गुस्से भरे अंदाज में रणवीर को तमाम बातें कह रही हैं। आपको बता दें कि देखा जा रहा है कि रणवीर सिंह जहां भी जा रहे हैं अपनी फिल्म गली बॉय का प्रमोशन बड़े ही जोरों और शोरों से कर रहे हैं। जी हाँ, वो कहीं भी जाते हैं तो वहीं पर ही रैपिंग करते भी उन्हें देखा जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। सारा अली खान बी टाउन की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो काफी ज्यादा हेल्दी थी, मगर अगर अब सारा को देखा जाए तो सारा के फिटनेस का हर कोई दीवाना है। ऐसे में हाल ही में सारा अली खान ने अपनी फिटनेस को लेकर तमाम हैरान करने वाले राज खोले। यानी कि सारा ने बताया कि इतने वजन को कम करने में उन्होंने किन किन चीजों का उपयोग किया, जहां पर सारा कहती दिखाई दे रही हैं, जब मैं सुबह वर्कआउट करती थी तो उस दौरान हल्दी पत्ता गोभी और गर्म पानी लेना पसंद करती थी। नॉनवेज की मैं बेहद शौकीन हूँ। तो जब उनसे ये बात पूछी गई कि वो ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच में क्या पसंद करती हैं, तब सारा ने कहा कि वो अंडे और चिकन खाना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। इसके अलावा उन्हें चाइनीज डिश भी काफी ज्यादा पसंद है। वर्कआउट के बाद वो प्रोटीन युक्त ग्रीन योगर्ट के साथ एक कप कॉफी पीना भी पसंद करती है। यही कारण है जो आज सारा अली खान इतनी ज्यादा फिट और ब्यूटीफुल लगती है। सो वेल देख लिया आपने, हमने आपको दिखाई दिन भर की 9 बड़ी खबरें, यानी कि भाई बी टाउन में जाना आपने कि हर एक सितारा छाया हुआ है इन दिनों। भाई आपने देखा कि बी टाउन में क्या कुछ हो रहा था। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।